हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज। स्वागत करता हूं आपके मेरे इस चैनल टेक वाईसी में। दोस्तों, यहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंकों में आ गए हैं वाईफाई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या है ये और कैसे इनको यूज किया जाता है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज को आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पूरी न्यूज, पूरी चीजें हैं क्या। यहाँ पर दोस्तों, अगर हम बात करें तो बैंक जो है उन्होंने अपने नए डेबिट कार्ड को लॉन्च कर दिया है, जिनको कहा जाता है वाईफाई डेबिट कार्ड। यहाँ पर हम बात करें तो इससे पहले आपको मिलते थे मैग्नेटिक डेबिट कार्ड, उसके बाद आए आपके पास चिप और पिन वाले डेबिट कार्ड, एंड अब आ गए हैं वाईफाई डेबिट कार्ड। वाईफाई डेबिट कार्ड जब भी आप देखेंगे तो उसके ऊपर आपको वाईफाई का जो सिग्नल कार्ड पर ही बना हुआ मिलेगा, जिससे कि आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो वाईफाई डेबिट कार्ड है या नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ और इसे यूज कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताऊं तो मैग्नेटिक डेबिट कार्ड आपके पास सबसे पहले आए थे, जिसमें पीछे एक मैग्नेटिक चिप जो लगी थी, मैग्नेटिक स्ट्राइप लगी होती थी, जिसमें आपको मशीन में जाकर स्वाइप करना पड़ता था, देन आपको जो है आप उसका यूज कर पाते थे। इसके बाद आया था चिप वाला डेबिट कार्ड, जो कि सिक्योरिटी फीचर जिसमें ज्यादा थे। इसमें क्या होता था, जिस भी दुकान पर आप जा रहे हैं, वेंडर के पास जा रहे हैं, तो वो क्या करता था, पहले अमाउंट जो है वो मशीन में डाल देता था, उसके बाद आप अपना कार्ड लगाते थे अंदर, उसके बाद वहां पे आप अपना पिन डालते थे, एंड देन वो जो ट्रांजेक्शन थी वो कंप्लीट होती थी, कन्फर्म होती थी बैंक की तरफ से। लेकिन इसमें कभी कभार कुछ दिक्कतें आ जाती थी, इसी चीज को लेकर अब आ गया है वाईफाई डेबिट कार्ड। वाईफाई डेबिट कार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको वाईफाई नाम से पता लग रहा है, वाईफाई का मीन्स क्या होगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट लेस आप इसे कह सकते हैं कि कॉन्टेक्ट लेस होगा, कि जिसमें आपको जो है एकदम मतलब कि स्वाइप अप करने की, स्वाइप करने की या मशीन में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपली अगर कार्ड आपके हाथ में है तो आप उसको मशीन के ऊपर सिर्फ रखिए। जैसे आप मेट्रो में जाते हैं तो आपने मेट्रो में देखा होगा, वहां पर आपको स्वाइप अप या कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा उसको सिर्फ टच करवाते हैं। वही चीज यहाँ पर भी सेम कॉन्टेक्ट लेस में भी होती है, कि यहाँ पर आपको जो मशीन दी जाएगी, जो वेंडर के पास पहले से होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर अपना कार्ड रखना है। आप जैसे उस पर अपना कार्ड रखेंगे तो जितना भी अमाउंट होगा, जो वहां पे प्रोसेस हुआ होगा, वो आपके अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, आपके डेबिट कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर वो किया जाए तो अभी कुछ लोग कहेंगे कि इसमें जो सिक्योरिटी है वो खराब है या ऐसी कुछ हो सकता है, तो अभी ये डेबिट कार्ड जो है वो बहुत कम लोगों को मिले, धीरे धीरे इन पर सिक्योरिटी में और ज्यादा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी सिक्योरिटी को लेकर जो ट्रांजेक्शन है वो, उसकी बात अगर हम करें तो ट्रांजेक्शन पर लिमिट लगाई गई है, वो है 2,000 रुपए की। यानी कि अगर आपका बिल 2,000 से कम का है तो ही आप वाईफाई डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, वरना आपको अपना मैग्नेटिक या चिप वाला जो डेबिट कार्ड था उसी पुराने डेबिट कार्ड को ही आपको यूज करना होगा। तो सिक्योरिटी के लिहाज से अभी तक तो ये वाईफाई डेबिट कार्ड जो है, या कॉन्टेक्ट लेस डेबिट कार्ड भी आप इसे कह सकते हैं, ये अब तक तो अच्छा निकला है। अब वक्त ही बताएगा कि अच्छा है, खराब है। सिक्योरिटी फीचर की अगर हम बात करें तो हर एक फोन में, हर एक डेबिट कार्ड में, अगर हम बात करें तो हर एक डेबिट कार्ड में जो है कुछ ना कुछ दिक्कतें तो देखने को मिलती ही हैं। तो उन दिक्कतों को बैंक कैसे सही करते हैं, बैंक कैसे उसे टैकल करते हैं, इस बात पे ही जो है पूरा वो डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्ट लेस जो डेबिट कार्ड है वो मार्केट में ज़्यादा दिनों तक चलेंगे या नहीं चलेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप जो है इस वाईफाई डेबिट कार्ड को कैसे मंगवा सकते हैं, अगर हम उस बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करना होगा, या सीधे आपको अपने बैंक में जाना होगा और आपको अपना डेबिट कार्ड पुराना वाला चेंज करवाना लेना होगा, या तो वो आपको नया भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका डेबिट कार्ड जो है वो वाईफाई वाला कॉन्टेक्ट लेस डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।